शिक्षक बंधुओं को नमस्कार। विगत 5 साल से चिर प्रतीक्षित सेवा शर्त सरकार ने कैबिनेट से मंजूर कर दिया और वो प्रकाशित हो चुका है जो आप लोगों के सामने है। जो नई सेवा शर्त है उसको 2 भागों में बांट करके समझा जा सकता है। पहले है कि सरकार ने नियोजित शिक्षकों को क्या दिया, तो जो इसमें बातें हैं, पहला है कि भविष्य निधि कटौती लागू होगा। ये सबको पता है कि विगत साल ही भविष्य निधि कटौती लागू करने के संबंध में पटना उच्च न्यायालय का फैसला आ चुका था, सरकार ने उसको लागू नहीं किया था और इस संबंध में सरकार के विरुद्ध अवमानना का वाद भी चल रहा है। इसलिए सरकार ने बाध्य होकर के भविष्य निधि कटौती को लागू किया है, इसमें सरकार की कोई बहुत भूमिका है नहीं। दूसरा है अंतर जिला स्थानांतरण की मांग बहुत दिनों से शिक्षकों की थी। प्रत्येक जिला में 30-40% शिक्षक दूसरे जिला के हैं। सरकार ने एक अच्छी पहल करते हुए शिक्षिकाओं को तो ये लाभ दिया है, उनका एक बार अंतर जिला स्थानांतरण हो सकता है, लेकिन शिक्षकों को इस लाभ से वंचित कर दिया गया है जिसका कोई औचित्य नहीं था। इसमें कोई सरकार पर वित्तीय भार भी पड़ने वाला नहीं था, इसलिए शिक्षकों को भी ये लाभ मिलना चाहिए था अंतर जिला स्थानांतरण का, लेकिन पता नहीं सरकार ने इसको देने से इनकार किया। तीसरी बात है कि 120 दिन का अर्जित अवकाश की सुविधा शिक्षकों को दी गई है। जो पुराने नियमित शिक्षक हैं, उनको अभी 300 दिन का उपार्जित अवकाश मिलता है और रिटायरमेंट के समय उनको उसका जोड़ करके वित्तीय लाभ भी मिलता है, उतना पैसा भी जोड़ के उनको मिल जाता है। सरकार ने नियोजित शिक्षकों को 120 दिन का अर्जित अवकाश तो दिया है, लेकिन उसको वित्तीय लाभ से जोड़ा नहीं है, उसका आप मौद्रीकरण नहीं कर सकते हैं। तो और यदि आपका उससे अधिक होता है अर्जित अवकाश तो वो ऐसे ही लैप्स कर जाएगा। उसके बाद जो उन्होंने सेवा निरंतरता की बात की है, तो सेवा निरंतरता भी जो पुराने शिक्षक हैं उनको उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। अब जो नई भर्ती होगी उसमें जो नए शिक्षक बहाल होंगे उनको सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा, तो जो अभी कार्यरत शिक्षक हैं उनको इससे कोई लाभ नहीं है। 15% वेतन वृद्धि की बात कही गई है। अब ये 15% जो वेतन वृद्धि की बात कही गई है वो भी 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा, जब नवंबर में चुनाव हो जाएंगे विधानसभा के, नई सरकार बन जाएगी, शिक्षकों का वोट जब एक बार ले लिया जाएगा उसके बाद ये 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा। इस संबंध में शिक्षकों को ये मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब समान काम समान वेतन का मुकदमा चल रहा था तब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके ये वचन दिया था कि मैं 20% से 30% तक वेतन वृद्धि करने के लिए तैयार हूँ। अब 3 साल के बाद सरकार मात्र 15% वेतन वृद्धि की बात कर रही है, वो भी 2021 में अगले साल से। कुल मिलाकर के मातृत्व लाभ की चर्चा है, जो पहले भी 135 दिन था उसको 180 दिन किया गया है। पुरुषों को भी 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलने की बात कही गई है। कुल मिलाकर के जो स्थिति है, छोटी छोटी बातें जो छोटे मोटे मांग थे उनको स्वीकार किया गया है। जो शिक्षकों की मूल मांगे थी कि पंचायती राज से शिक्षकों को अलग किया जाए, राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, सहायक शिक्षक का दर्जा मिले, शिक्षकों के नाम के पहले जो नियोजित शब्द है उसको विलोपित किया जाए, अंतर जिला स्थानांतरण की सुविधा सबको मिले, तो ये भी एक प्रकार से जो शिक्षक है, पुरुष शिक्षक है, उनको ये भी लाभ नहीं मिला। उपादान की सुविधा है कि जो भी राज्यकर्मी है या पुराने टीचर है उनको रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी मिलता है 10 लाख रुपया, इसकी कोई चर्चा नहीं है। पुरानी जो नियोजन नियमावली थी उसमें 10 साल के बाद वेतन वृद्धि की चर्चा थी,
जो नया नई सेवा शर्त आई है, इसमें शिक्षकों के प्रोन्नति के संबंध में, उसके एसीपी के संबंध में, सावधिक प्रोन्नति के संबंध में कोई चर्चा नहीं है। पुराने शिक्षकों को 10 साल 20 साल और 30 साल पर सावधिक प्रोन्नति देने का प्रावधान है, एसीपी देने का प्रावधान है। नए शिक्षकों को, जो नियोजित शिक्षक हैं, उनको इस सुविधा से एक बार फिर महरूम रखा गया है। जो आपका बदलाव होना चाहिए था, शिक्षकों की जो मूल मांगे हैं कि पुराना वेतन, पुराने शिक्षकों का जो वेतनमान है और जो पुरानी सेवा शर्त है, उस पर उसकी कोई चर्चा नहीं है। एनपीएस स्कीम के तहत पेंशन देने की बात थी, उसकी भी कोई चर्चा नहीं है। कुल मिलाकर यह एक प्रकार की चुनावी कवायद है। इसमें नियोजित शिक्षकों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें सरकार की पीठ थपथपाई जाए। ना वेतनमान है, ना पेंशन है, ना सभी शिक्षकों को अंतर जिला स्थानांतरण की सुविधा है, ना उपादान की सुविधा है, तो कुल न प्रोन्नति है। कुल मिलाकर करके एक प्रकार का ये चुनावी झांसा है और शिक्षक पूरी तरह से नाराज है। सरकार की इस कवायद से शिक्षक संतुष्ट होने वाले नहीं है। सरकार की स्थिति ना माया मिली ना राम वाली होने वाली है। पता नहीं माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष सेवा शर्त में क्या खूबी देख करके बार बार सरकार को बधाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि शिक्षकों को बहुत लाभ मिल गया है। शिक्षकों के प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति की भी चर्चा की गई है, लेकिन वो सीमित प्रतियोगिता परीक्षा से, उसके बारे में भी किसी प्रक्रिया का कोई वर्णन नहीं किया गया है। वो बाद में क्या होगा नहीं होगा, तो कुल मिलाकर के जो नियोजित टीचर हैं वो ठगा सा महसूस कर रहे हैं और बिहार सरकार में नौकरशाही का जलवा है, नौकरशाही का बोलबाला है और बिहार की नौकरशाही एक हद तक शिक्षक विरोधी है। नौकरशाही नहीं चाहती है कि शिक्षकों को मान सम्मान और वाजिब वेतनमान मिले। शिक्षकों को लगातार संघर्ष करना पड़ेगा अपने हक हकूक के लिए, अपने अधिकारों के लिए। सरकार ये समझती है कि शिक्षक सामाजिक पहचान और राजनीतिक प्रतिबद्धता के आधार पर बटे हुए हैं, इसलिए शिक्षकों को अपने हक हकूक के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपने मान सम्मान के लिए और अपने वेतनमान के लिए तमाम संकीर्णताओं को भुला करके संगठित होकर के एकजुट होना होगा और एकजुट संघर्ष करना पड़ेगा। और इसकी शुरुआत जो आगामी विधानसभा चुनाव है या जो अन्य जो भी चुनाव होंगे, उसमें शिक्षकों को एकजुट होकर के बदलाव के लिए सक्रिय भागीदारी निभाने की जरूरत है, ताकि सरकार तक ये संदेश पहुंचे कि शिक्षकों की जो राजनीतिक ताकत है उसको नजरअंदाज करना किसी भी सरकार के लिए उचित नहीं होगा। और शिक्षकों को आज तक जो कुछ भी हासिल हुआ है वो संघर्ष से ही मिला है, आगे भी संघर्ष से ही मिलेगा। दुर्भाग्य है कि जुझारू और ईमानदार नेतृत्व की कमी रही है, जिसकी वजह से नियोजित शिक्षकों को जो वाजिब मान सम्मान और वेतनमान मिलना चाहिए वो आज तक नहीं मिला है। इसलिए हर स्तर पर बदलाव की जरूरत है और शिक्षकों की जो मूल मांगे हैं, मेरा सरकार से अनुरोध है, आग्रह है कि अभी भी समय है, अभी चुनाव में एक दो महीना देरी है, अभी भी समय है शिक्षकों को वेतनमान और जो पुरानी सेवा शर्त है 1983 की, उसको लागू किया जाए, तभी शिक्षक संतुष्ट होने वाले हैं और ये सरकार के हित में भी होगा। इसलिए कि अभी जो स्थिति है इसमें कोई भी मेधावी छात्र या छात्रा शिक्षक बनना नहीं चाहेंगे, इसलिए कि 20,000 25,000 30,000 में कोई भी मेधावी छात्र इस सेवा में नहीं आना चाहेगा। और जब मेधावी छात्र शिक्षक नहीं बनेंगे तो गांव गरीब के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलेगा, और जिस राज्य में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलेगा वो विकास के पायदान पर कभी भी ऊपर नहीं जा सकता है। इसलिए वर्तमान एनडीए सरकार से मेरा पुनः निवेदन है कि जितना जल्द हो जो नई सेवा शर्त लागू की गई है, प्रकाशित की गई है, उसमें सुधार करते हुए
शिक्षकों को वेतनमान और पुरानी सेवा शर्त दी जाए, जिसमें वेतनमान, पेंशन, अंतर जिला स्थानांतरण, ग्रेच्युटी का लाभ, एसीपी, सावधिक प्रोन्नति जैसी सुविधा हो, ताकि शिक्षक संतुष्ट हो और अपना सर्वोत्तम अपने छात्रों को दे सके।